माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन SBPS ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू सम आइडेंटिटी एंड सम क्वेश्चंस। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 4, बनवर पार्ट में बता रहा हूँ, आप आगे करेंगे जाके एक्सपेंड। एस प्लस टू वाई फोर जेड होल ऑफ स्क्वायर यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी टोटल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। तो एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल ऑफ स्क्वायर टोटल टू पहली नंबर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी टू वाई स्क्वायर प्लस तीसरी फोर जेड स्क्वायर प्लस टू टू ए बी बी सी सी आर्डर में है। तो प्लस टू इंटू ए की वैल्यू एक्स इंटू बी टू वाई प्लस टू बी सी टू वाई इंटू फोर जेड ये डाटा पॉइंट इंटू का है प्लस टू इंटू फोर जेड इंटू एक्स कितना आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर वाई का वाई स्क्वायर फोर का स्क्वायर फोर फोर जा सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स वाई फोर एक्स वाई प्लस टू टू जा फोर 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 जा सिक्सटीन वाई जेड प्लस फोर टू जा एट जेड एक्स दिस इज आंसर। सिमिलरली यू सॉल्व सेकेंड पार्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टोराइज। फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई माइनस 24 बाई जेड माइनस 16 एक्स जेड इसका फैक्टराइज ये एक्सपेंडेड फॉर्म रखा है इसको क्लोज करके लिखना है। तो आप देख रहे हैं ये किसका है 2x का स्क्वायर है ये किसका है 3 y का स्क्वायर है ये किसका है 4z का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी ए 2x और b 3y 2 टू जा 4 3 जा 12xy हो गया प्लस 2 इंटू बी सी 2 इंटू 3y इंटू 4z 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz हो गया अब प्लस 2 इंटू फोर जाए और इंटू टू एक्स फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन अब देखिए ये दोनों माइनस है कहां पर माइनस लाया जाए अगर ये माइनस कर देंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा या प्लस है ये नहीं माइनस कर सकते अगर ये माइनस कर देंगे तो इसका इसका प्रोडक्ट ये माइनस सही है फिर यहां माइनस नहीं आएगा तो ये माइनस करना पड़ेगा कौन सा ये इसका इसका ये माइनस हो गया और इसका इसका ये माइनस तो यहां पर क्या रखना माइनस यहाँ पर भी माइनस तो देखिए ये किसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए तो कर तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ये ए है ये बी है ये सी है तो टू एक्स प्लस बी थ्री वाई और सी माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट भी आप देखिएगा सेकेंड पार्ट कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 4 रूट 2 बाई जेड माइनस 8 एक्स जेड
इसको लिखेंगे हम रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे वाई का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे टू रूट टू का टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, टू टू या फोर टू या एट। अब देखिए प्लस टू ए, ए की वैल्यू क्या है रूट टू एक्स, और बी, बी की वैल्यू है वाई, ये डॉट पॉइंट मल्टीप्लाई का है। देखिए टू रूट टू एक्स वाई हो गया, बट ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसमें ये निगेटिव कर दें कि ये निगेटिव कर दें। अब देखिए इसको आगे से बताकर ये निगेटिव कर देंगे तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो यही निगेटिव करना पड़ेगा मुझे लगता है, तो यहां माइनस आ जाएगा। अब प्लस टू बाई और टू रूट टू, टू रूट टू जेड, अब प्लस टू इंटू सी ए, नीचे देखिए टू इंटू टू रूट टू जेड और इंटू माइनस रूट टू एक्स, तो देखिए ये कितना हो गया टू टू या फोर, फोर रूट टू बाई जेड, टू टू या फोर और रूट टू, रूट टू टू एट एक्स जेड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये ए है ये बी है ये सी है, तो ये हो गया माइनस रूट टू एक्स, ए प्लस बी, बी की वैल्यू बाई प्लस सी टू रूट टू जेड होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।